हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। क्विक ओ पियानो की ओपनिंग ट्रैप के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं। क्विक ओ पियानो e4 e5 bc4 bc5 c3। यहाँ पे c3 वेरिएशन के बारे में है। नाइट f6 d4 पॉन टेक्स और बिशप b6। इतने फेमस मूव है। इसके बाद व्हाइट नाइट g5 खेलता है, ब्लैक कैसल करता है क्योंकि f7 पे नाइट और बिशप दोनों का अटैक है। सिंपल कैसलिंग e5। यहाँ पे नाइट e8 ये सबसे बैड मूव है। क्वीन h5 के बाद ब्लैक के पास कोई रिप्लाई नहीं होगा क्योंकि h7 पे भी अटैक है, f7 पे 3 अटैक है और मेट बचाने का एक ही ऑप्शन है h6। तो नाइट इंटू f7 क्वीन पे अटैक है। रुक टेक्स f7 पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन इंटू f7। तो क्वीन e7 के बाद डिस्कवर डबल चेक, किंग h8, देन नाइट f7 अगेन डबल चेक, किंग g8 एंड क्वीन h8 चेकमेट। ये है हमारी पहली ट्रैप। चलिए दूसरी ट्रैप देखते हैं जिसमें आप अर्ली अटैक भी कर सकते हो व्हाइट से। e4 e5 c3 nf6 d4 पॉन टेक्स बिशप b6। यहाँ पे नाइट g5 के बदले आप डायरेक्टली e5 करोगे तो भी खेलने में मजा आएगा। जैसे कि नाइट g4 h6 नाइट h6 देन d5। अब नाइट के पास बेस्ट चॉइस है नाइट e7 d6 नाइट g6, उसके बाद बिशप g5। अब क्वीन को बचाने का ओनली ऑप्शन है f6, पॉन टेक्स पॉन, क्वीन e2 चेक। अब ये चेक का कोई रिप्लाई नहीं है। यहाँ पे ओनली ऑप्शन है नाइट e5, बट आफ्टर नाइट टेक्स e5 ब्लैक टेक्स योर बिशप, नाइट g6 ये किलर अटैक है। अब व्हाइट के किंग के पास, ब्लैक के किंग के पास कोई मूव नहीं है। फोर्सफुली क्वीन e7 देन क्वीन e7 चेकमेट। बहुत ही जल्दी गेम खत्म होती है इसमें। दोस्तों अब मैं जो आपको ट्रैप बताऊंगा वो शुरुआत से व्हाइट अगर अटैक करता है, हालांकि शुरुआत में लगता है आपको कि व्हाइट जीत रहा है लेकिन कंप्लीटली व्हाइट इज लूजिंग। स्टार्टिंग में अटैक कैसे होता है, कई बार आपके सामने कोई अगर व्हाइट प्लेयर कर दे तो आपको बहुत ही अलर्ट रहके ये सारे मूव्स करके गेम जीतना है। बिशप इनटू f7 अर्ली अटैक। व्हाइट सोचता है उसे पीस वापस मिलेगा 3-4 मूव में, जैसे बिशप किंग टेक्स देन नाइट e5 नाइट टेक्स देन क्वीन h5 चेक, g6 क्वीन टेक्स नाइट। अब यहाँ पर डबल अटैक के साथ व्हाइट को क्वीन रूक और बिशप दोनों पे अटैक। यहाँ पे आपको खेलना है d6। अब आपको रुक सेक्रीफाइस करना है, क्वीन टेक्स रुक। अब देखो पोजीशन में आपको लगता है कि व्हाइट कंप्लीटली एक्सचेंज आपको, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो है क्वीन h4। h7 को सपोर्ट भी हो रहा है और f7 पे अटैक भी हो रहा है और यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट है। तो व्हाइट रिप्लाई देगा d4 क्योंकि g6 पॉसिबल नहीं है, क्वीन टेक्स e4 और आपको रुक मिल रहा है। तो यहाँ d4 के रिप्लाई में क्वीन पहले नाइट f6, यहाँ पे आपको बिशप सेक्रीफाइस करना है। पॉन टेक्स बिशप देने के बाद क्वीन e4 चेक, बिशप e3 और उसके बाद क्वीन g2 रुक f1 और फाइनली बिशप h3। अब यहाँ देखो डबल डिस्कवर्ड अटैक भी है, रुक टेक्स क्वीन इंटू रुक। अगर क्वीन टेक्स रुक किया तो दो मूव में चेकमेट है, क्वीन टेक्स रुक चेक और नाइट e4 चेकमेट। बहुत ही शॉर्ट अटैक है। कई लोग आप ब्लैक से खेल के व्हाइट को ऐसे ट्रैप में ले सकते हैं। फिर से देख लीजिए नाइट क्वींस, यहाँ पे सेक्रीफाइस दो देने के बाद दोनों पीस वापस तो मिलते हैं व्हाइट को, लेकिन इसके बाद व्हाइट कंप्लीटली लूजिंग है क्योंकि e4 को बचाना जरूरी है, f2 पे सपोर्ट करना भी जरूरी है, तो ओवरलोडिंग हो गया है सारे पीसेस। तो इसका रिप्लाई सिर्फ d4 है। यहाँ पे आपको नाइट f6 बिशप सेक्रीफाइस करना है, पॉन टेक्स बिशप, क्वीन इनटू e4 चेक, बिशप e3 और क्लियरली
182। ओके, ये वाली ट्रैप जो है वो ब्लैक की ओर से दोस्तों गोइको पियानो में कई लोग बी4 करके सेंटर अटैक करते हैं। बिशप टेक्स बी4 यहाँ मार, C3 देन बिशप C5, व्हाइट कैसल D6, बिशप B2, बिशप G4, H3 और यहाँ पे H5, ना कि बिशप H5। अगर पॉन टेक्स बिशप किया तो पॉन टेक्स पॉन, नाइट H2 देन क्वीन H4, चेकमेट की थ्रेट है। तो RE1 फोर्स ऑप्शन है यहाँ पे मेट बचाने का, उसके बाद क्वीन टेक्स F2 चेक, किंग H1 रुक सेक्रीफाइस देन क्वीन H4 चेक में, बहुत ही शॉर्ट गेम है दोस्तों। इस लाइन को इवांस गैम्बिट कहते हैं, B4 करके जो अटैक होता है इवांस गैम्बिट। इवांस गैम्बिट के स्टार्टिंग के मूव जैसे गुइको पियानो में BC4 BC5 के बाद C3 होता है, इवांस गैम्बिट में BC5 के बाद डायरेक्ट B4 होता है। ये वाइट खेलते हैं कई बार इवांस गैम्बिट, तो इसके भी ट्रैप्स आपको देख लेने चाहिए क्योंकि गुइको पियानो लाइन में ही ये कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इवांस गैम्बिट में एक बहुत ही फेमस ट्रैप है, वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। E4 E5 BC4 B4 और यहाँ पे कैसल नाइट F6। ब्लैक यहाँ पे नाइट F6 D6 के बदले रिप्लाई देता है, तो तुरंत D4। E×D4 गलत मूव है क्योंकि सेंटर C×D4 के बाद फिर से बिशप को वापस जाना पड़ता है। यहाँ पे बिशप B6 के रिप्लाई में पॉन टेक्स पॉन, ब्लैक रिप्लाई देता है Nxe4। ये सबसे बड़ी ब्लंडर होगी क्योंकि डबल अटैक वाली जो थियरी है यहाँ पे काम में आती है। क्वीन D5 अटैक ऑन F7 और E4, यहाँ पे मेट की थ्रेट है, इसलिए कैसल या तो क्वीन E7 कुछ भी खेले, नेक्स्ट मूव में आपको ब्लैक का पीस कंप्लीटली मिल जाता है। दोस्तों इवांस गैम्बिट में एक और लास्ट ट्रैप बताता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में आप 4 नाइट डिफेंस और 2 नाइट डिफेंस की ट्रैप्स देखने वाले हो। B4 बिशप टेक्स C3 बिशप A6 यहाँ पे D4 पॉन टेक्स पॉन और नाइट F6, यहाँ पे है नाइट F6 वाला वेरिएशन। नाइट F6 में आपको करना है पॉन टेक्स पॉन, नाइट G5, उसके बाद बिशप G5। अब क्वीन के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो F6 ओनली ऑप्शन है, पॉन टेक्स पॉन देन नाइट F6 और E5। यहाँ पे नाइट पिन हो गया है तो काउंटर अटैक में H6 के अलावा कोई रिप्लाई नहीं है, लेकिन आफ्टर पॉन्टेक्स नाइट पॉन्टेक्स बिशप पॉन्टेक्स पॉन और कम्प्लीटली रुक ट्रैप हो चुका है। हालांकि क्वीन E7 ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है चेक में, क्वीन E2 के बाद फोर्स क्वीन एक्सचेंज होती है और ब्लैक उसका रुक लॉस हो रहा है क्योंकि ये तीनों स्क्वायर कंट्रोल में है। और यहाँ पे आफ्टर क्वीन टेक्स क्वीन सिंपल किंग टेक्स क्वीन और यहाँ पे ब्लैक रिजाइन। तो ये थी इवांस गैम्बिट की और गुइको पियानो की सारी ट्रैप्स मैंने इस वीडियो में बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2 नाइट डिफेंस की ट्रैप्स, उसमें भी बहुत सारे ट्रैप्स है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको रुई लोपेज के बारे में भी बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारी ओपनिंग ट्रैप आपको अभी भी सीखनी बाकी है। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।